बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हेलो। इस कहानी की शुरुआत में हमें एडम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है। वो प्लांट और फंगल लाइफ के ऊपर रिसर्च करता है। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक रिमोट एरिया में जा रहा है जो कि एक इरिश विलेज है। दरअसल सरकार इस जगह के जंगल को काटना चाहती है, लेकिन गांव वाले चाहते हैं कि जंगल ना काटा जाए। इसीलिए यहां पर एडम को रिसर्च करने के लिए भेजा होता है, ताकि वो यहाँ के पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करके ये पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना ठीक रहेगा और किन पेड़ों को नहीं। एडम अपने बेटे को लेकर जंगल में पेड़ पौधों के सैंपल्स लेने के लिए चला जाता है, और जब वो सैंपल्स लेकर वापस आ रहा होता है तभी उसका डॉग जंगल की तरफ भौंकता हुआ भाग जाता है। एडम भी उसके पीछे जाता है। एडम देखता है कि वहां पर एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर है, और जब उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि दीवार के साथ एक मरा हुआ हिरन चिपका हुआ है। जब वो उस हिरन को हटाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी से एक काले रंग का अजीब सा पदार्थ निकल रहा है। एडम उस पदार्थ का भी सैंपल ले लेता है। वहीं घर पर एडम की पत्नी को दिखाया जाता है जो घर की सफाई कर रही होती है, और तभी इसी जगह का एक लोकल आदमी जिसका नाम कॉल्म है वो अपने बेटे के साथ वहां पर आता है, और एडम की पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस जगह से चले जाओ, ये जगह खतरनाक है, तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हें कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए। दरअसल ये आदमी एडम और उसके परिवार के यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं होता। एडम की पत्नी कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, आप उनसे बात करना। इसके बाद कॉल्म अपने बेटे को लेकर इस जगह से चला जाता है। अब जब एडम घर पर आता है तो उसकी पत्नी उसे कॉल्म के बारे में बताती है। एडम कहता है कि वो चाहता है कि हम इस जंगल से इस जगह से चले जाए, इसीलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एडम जंगल से जो काले रंग का तरल पदार्थ लेकर आया था वो उस पर रिसर्च करना शुरू करता है, और वो देखता है कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आसपास के सेल्स को मार रहे हैं। और तभी एडम की पत्नी आती है और बताती है कि हमारे बेटे के बेड पर काले रंग का पदार्थ गिर रहा है। एडम जल्दी से ऊपर जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी पदार्थ नहीं होता। इसके बाद ये अपने बेटे को सुलाकर नीचे किचन में आ जाते हैं, और तभी इनके बेटे की रोने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों ऊपर भागते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। पर किसी तरह से दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि इनका बेटा रो रहा है, साथ ही खिड़की टूटी हुई है। इन्हें लगता है कि ये गांव वालों ने किया है। ये पुलिस वाले को बुलाते और कहते हैं कि आज कॉल आया था, हमें लगता है कि ये उसी ने किया है। पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल कुछ दिन पहले कॉल्म की बेटी जंगल में कहीं गायब हो गई थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक क्रीचर है जिसका नाम हेलो है। वो लोगों को मार देता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है, और कॉल्म नहीं चाहता कि जिस तरह से उसकी बेटी गायब हो गई उसी तरह से आपका बेटा भी गायब हो जाए, इसीलिए वो आपको आगाह कर रहा है। और जहां तक खिड़की टूटने का सवाल है, आप जंगल के बीचों बीच रहते हो, कोई पक्षी आकर आपकी खिड़की से टकराया होगा जिस वजह से खिड़की टूट गई, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन एडम को अब भी कॉल्म पर शक है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, इसीलिए बाहर आकर वो टूटी हुई खिड़की की फोटो खींचता है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है। वो उस तरफ भी फोटो खींचता है, और जब फोटो का फ्लैश चमकता है तो वहां पर एक अजीब सा साया बैठा होता है। उसका डॉग भी उस तरफ देखकर भौंकने लगता है, और अगले पल डॉग स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है। एडम स्टोर के अंदर जाकर चेक करता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। और अगली सुबह एडम अपने बेटे को लेकर मार्केट जाता है ताकि नई खिड़की खरीद सके, और जब वो खिड़की खरीद रहा होता है तभी वो शॉपकीपर उसे कहता है कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको लोहे की ग्रिल लगानी होगी। दरअसल जब एडम और उसकी पत्नी इस घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर लोहे की ग्रिल्स लगी थी, लेकिन एडम की पत्नी ने सारी ग्रिल्स हटा दी। एडम को दुकानदार की बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए वो खिड़की बनाने का सामान लेकर वहां से अपने बेटे को लेकर गाड़ी से अपने घर की तरफ, जो कि जंगल के बीचों बीच है, निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी गाड़ी अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुक जाती है, और जब वो बोनट खोलता है तो देखता है कि इंजन के ऊपर वही काले रंग का पदार्थ है जो उसे हिरन की बॉडी के अंदर मिला था। वो उस काले पदार्थ को इंजन के ऊपर हटाने से डिक्की खोलता है ताकि टूल बॉक्स निकाल सके, और तभी कोई उसे धक्का देकर डिक्की बंद कर देता है। वो डिक्की के अंदर बंद हो चुका और गाड़ी में उसका बेटा अकेला है। वहीं घर में हमें एडम की पत्नी को दिखाया जाता है, जहां पर उसे अपने बच्चे के कपड़ों के साथ वही काले रंग का पदार्थ मिलता है जो स्केलेटन की तरह दिख रहा होता है। पर उसकी पत्नी को लगता है कि डॉग शायद ये ले आया हो, और तभी यहाँ पर कॉल्म आता है। कॉल्म कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एडम की पत्नी कहती है कि जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बात करने के लिए भेज दूंगी, और कॉल्म यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो डिक्की के अंदर बंद होता है,
और जंगल के बीचों बीच उसका बेटा गाड़ी के अंदर है जो रो रहा होता है। किसी तरह से डिक्की के अंदर से गाड़ी की सीट को फाड़ कर गाड़ी के अंदर निकलता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि गाड़ी में किसी ने बहुत ही गहरे गहरे स्क्रैच लगाए हुए हैं। उसे लगता है कि ये कॉल्म का काम है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। वो अपने बेटे को घर लेकर आता है। उसकी पत्नी को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तीनों के तीनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं और तभी घर की लाइट चली जाती है और अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। एडम को लगता है कि ये कॉल्म कर रहा है। वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज आती है और दरवाजे पर गोली चलाता है, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद एडम उस किताब को देखता है जो कॉल्म यहाँ पर छोड़ कर गया था। उस पर बहुत सारी सुपर नेचुरल बातें लिखी होती है जो उसे कुछ समझ नहीं आती। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है, हमें किसी भी तरह से वहां तक पहुंचना होगा। और जब ये घर से बाहर निकलते हैं तभी इन्हें डॉग के भौंकने की आवाज आती है जो स्टोर रूम में होता है। एडम जब स्टोर रूम में जाता है तो देखता है कि डॉग की एक आंख बहुत ही लाल है। उसे लगता है कि कॉल्म ने इसे मारा है और अब ये सब के सब यहाँ से गाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये गाड़ी के पास पहुंच ही गए होते हैं तभी इनका डॉग रुक जाता है। वो सामने देखकर भौंकने लगता है। दरअसल सामने कोई साया होता है और इसके बाद वो उस साये का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर तक तो डॉग की आवाज आती है लेकिन इसके बाद डॉग की चीख की आवाज आती है। एडम समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। उसकी वाइफ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और जब वो गाड़ी का बोनट खोलता है तो उसमें वो काले रंग का पदार्थ और भी ज्यादा फैल चुका होता है। वो उस पदार्थ को निकालने लगता है और ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी जो गाड़ी में बैठी होती है वो पीछे मुड़कर देखती है, जहां पर उसे बहुत सारे साये दिखते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। वो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करती है और जब गाड़ी की हेडलाइट जलती है तो सामने बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो अजीब से दिख रहे होते हैं, जो इन्हीं को मारने के लिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। एडम जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाता है और ये गाड़ी को इस जगह से निकाल कर ले जाते हैं। और जब ये स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी इनके सामने एक बच्ची आ जाती है, जिस वजह से एडम की पत्नी गाड़ी को एक तरफ घुमा देती है। गाड़ी अब गड्ढे में फंस चुकी है, ये उसे निकाल नहीं सकते। इसीलिए एडम और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर इस जगह से अपने वापस घर की तरफ भागते हैं। और घर आने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि कॉल्म जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। यहाँ जंगल में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं जिन्हें हेलोस कहा जाता है, जो सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं। ये क्रिएचर्स कभी भी उजाले में नहीं आते। एडम की होल से बाहर देख रहा होता है तभी एक क्रिएचर उसकी आंख पर हमला करके उसकी आंख को जख्मी कर देता है। एडम अपनी पत्नी और बेटे को ऊपर छुपा देता है। वो जानता है कि उसे अपने आप को और अपने परिवार को सुबह तक बचाना होगा। उजाला होते ही सारे के सारे क्रिएचर्स यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए तय करता है कि वो सबसे पहले जनरेटर ऑन करेगा ताकि लाइट आ जाए और हेलोस इस घर से दूर चले जाएं। वो जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है और जब वो जनरेटर ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है ठीक उसी वक्त एक क्रिएचर का हाथ नीचे से आता है जो उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पत्नी की आंख को जख्मी करता, यहाँ पर एडम जनरेटर ऑन कर देता है जिससे लाइट आ जाती है और सभी हेलोस इस जगह से निकल जाते हैं। एडम की आंख इन्फेक्टेड होती है, इसीलिए अब वो धीरे धीरे खुद भी एक हेलो में कन्वर्ट हो रहा होता है। वो अपनी पत्नी और बेटे के पास आता है। वो अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए एलमीरा के अंदर रख देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस घर में जो आयरन रॉड्स पहले से खिड़कियों पर लगी हुई थी उन्हें वापस फिक्स करता है ताकि कोई भी हेलो अंदर ना आ पाए। लेकिन पहले से एक हेलो अंदर होता है जो उसके बेटे को उठाकर अपने साथ ऊपर एटिक में ले जाता है। एडम अपने बच्चे को बचाने के लिए जब ऊपर एटिक में जाता है तो वो क्रिएचर यानी कि हेलोस पर अटैक कर देता है। एडम नीचे गिर के बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एडम की पत्नी अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। दरअसल हेलोस के बेटे को बाहर वुड्स में ले गया होता है और अब एडम की पत्नी देखती है कि उसका बेटा नदी में बह रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है और किसी तरह से अपने बेटे को बचाकर घर वापस ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को अपने पति एडम को देती है और कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। पर जब एडम अपने बेटे को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोज ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि एडम को ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन एडम को पूरा विश्वास है कि हेलोज ने उन्हें धोखा दिया है। इसीलिए वो एक कील उठाकर बच्चे के सिर के सामने रखता है और कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी उसकी पत्नी उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को धक्का दे देता है और अब वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है।
लेकिन इस रूप को सिर्फ और सिर्फ एडम देख सकता है। उसकी पत्नी को अभी भी लग रहा होता है कि एडम इन्फेक्टेड है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। इसीलिए एडम को स्टैब करके अपने बच्चे को लेकर यहाँ से सीधा कॉल्म के घर जाती है। वो कॉल्म से मदद मांगती है, लेकिन कॉल्म गन लेकर बाहर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और ये उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड होने की वजह से अब हेलो में बदलना शुरू हो जाता है। अब वो पूरी तरह से एक हेलो बन चुका है। उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते घने जंगल में एक गुफा के अंदर जाता है जहां पर बहुत सारे हेलोज होते हैं। यहां पर कॉल्म की बेटी भी होती है जो अब खुद भी एक हेलो बन चुकी है और उसी के हाथ में एडम का बेटा होता है। वो उससे अपने बेटे को मांगता है लेकिन वो उसे उसके बेटे को नहीं देना चाहती। यहाँ पर जितने भी हेलोज होते हैं वो उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास आग की मशाल होती है, इसीलिए वो उसके पास नहीं आ रहे होते। जिससे हमें पता चलता है कि एडम के अंदर अब भी इंसानियत का एक हिस्सा बचा है, इसीलिए वो खुद आग से नहीं डर रहा। वहीं एडम की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही होती है। उसके पीछे बहुत सारे हेलोज होते हैं और उसके पास जो कैमरा होता है वो बार बार उसके फ्लैश को चमकाकर हेलोज को अपने आप से दूर रख रही होती है, लेकिन तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है जिससे उसके कैमरे का फ्लैश खराब हो जाता है। और इससे पहले कि हेलोज उसे मारने के लिए उसके पास आते, यहाँ पर एडम अपने असली बेटे को लेकर आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ हेलोज की एक चाल है। दरअसल वो हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इस भ्रम में फंसाया है। वो किसी तरह से अपनी पत्नी को कन्विंस कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पर एक हेलो क्रिएचर आ जाता है जो एडम की पत्नी के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन एडम उसका सामना करता है। साथ ही कॉल्म की बेटी भी आ जाती है, लेकिन एडम उसे मार देता है। और ये सब देखने के बाद एडम की पत्नी वो बच्चा जो एडम लेकर आया होता है उसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। हालांकि हेलोज अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन अब सुबह की रोशनी होना शुरू हो जाती है जिस वजह से सभी हेलोज अपने नेस्ट में यानी कि अपने केव में वापस चले जाते हैं। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो अब मारा जा चुका है, और वो बच्चा जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था यानी कि जो उसने बदला था वो सच में एक हेलो ही था, यानी कि उसकी पत्नी के पास जो बच्चा है वो उसका असली बेटा है। और अब उसकी पत्नी वापस अपने घर पर आ जाती है जहां पर वो एडम के लिए बहुत दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन अब रात होने से पहले वो यहां से अपने बेटे को लेकर निकल जाएगी। वहीं हमें जंगल दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं, यानी कि पेड़ की कटाई यहां पर शुरू हो चुकी है और बहुत सारे पेड़ों में वो पदार्थ भी होता है जिस काले पदार्थ की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है जिससे इंसान हेलो में बदल जाता है। और अब ये कटे हुए पेड़ जहां जहां पर जाएंगे ये इन्फेक्शन वहां वहां फैलता रहेगा, यानी कि वहां वहां पर लोग हेलोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।